गुड मॉर्निंग बच्चों, DSR पब्लिकेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास टू का सब्जेक्ट कंप्यूटर का लेसन टू लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इसके पहले हम लोगों ने क्लास टू का लेसन वन पढ़ा। आज हम लोग लेसन टू जानेंगे, जिसका नाम है यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज। इस चैप्टर में क्या कवर है, हाउ कैन वी यूज ए कंप्यूटर, किस तरह से इसका यूज होगा हम लोग करेंगे। यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डिफरेंट वर्क, कंप्यूटर का इस्तेमाल अलग अलग वर्क के लिए। यूज ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेस, कंप्यूटर का इस्तेमाल अलग अलग स्थानों पर। एज यू नो, आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। विच परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जो अलग अलग वर्कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ ए डे, आज के समय में कंप्यूटर आर बींग यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर तरफ कंप्यूटर का यूज हो रहा है। बिकॉज ऑफ देयर, जैसा कि हाई स्पीड के लिए, एक्यूरेसी इन रिजल्ट, आउटपुट ऑफ करेक्ट इंस्ट्रक्शन आर गिवेन टू इट, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे उसके अनुसार वो एक्यूरेसी यानी कि एकदम सही सही और करेक्ट इंफॉर्मेशन दे। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, अत्यधिक मात्रा में स्टोरेज रखने की क्षमता। कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस वर्किंग, लगातार वर्क करने की क्षमता। एंड वर्सटियल, कैन डू मैनी टास्क सिमुलरटेनियसली, यानी कि एक ही समय में कई वर्क करने की क्षमता। हाउ कैन वी यूज ए कंप्यूटर, इसका हम लोग इस्तेमाल किस तरह करते हैं। जैसा कि पहला क्या है, वी कैन कैलकुलेट द सम वेरी क्विकली, बड़े से बड़े सवाल को क्या कर सकते हैं कंप्यूटर की सहायता से बहुत तेज में। इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी कैन लिसन टू म्यूजिक ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर से हम लोग म्यूजिक सुनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वी कैन वॉच मूवी ऑन ए कंप्यूटर, इसका इस्तेमाल मूवी देखने के लिए करते हैं। वी कैन प्ले गेम ऑन ए कंप्यूटर, गेम खेलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, वी कैन स्टोर नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर इन द एड्रेस बुक ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के एड्रेस बुक में हम लोग स्टोर रख सकते हैं किसी का भी नाम, उसका पता, उसका टेलीफोन नंबर। उसके बाद वी कैन मेक कलरफुल पिक्चर यूज माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट की सहायता से कंप्यूटर्स में हम लोग कलरफुल पिक्चर बना सकते हैं। वी कैन टाइप एंड स्टोर लेटर एंड पैराग्राफ रिस्पेक्टिवली, इसमें हम लोग लेटर और पैराग्राफ लिख सकते हैं और उसको स्टोरेज कर सकते हैं, टाइप में लिखना। उसके बाद लेट अस स्टडी द यूज ऑफ कंप्यूटर एट ए सम प्लेस, कुछ स्थानों पर इसका इस्तेमाल पढ़ाई करने के लिए किया जाता है, यानी स्टडी करने के लिए किया जाता है। यूज ऑफ ए कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेस, कंप्यूटर का यूज अलग अलग स्थानों पर, जैसा कि पहला है एट होम, घर में, डूइंग होमवर्क, अपना होमवर्क बनाने के लिए, एंड प्लेइंग गेम, गेम खेलने के लिए। Enjoy music and movie, गाना सुनने के लिए और मूवी देखने के लिए। Sorting important information, इंफॉर्मेशन को sorting करने के लिए, में छटाई करने के लिए। Learning and studying, पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। Looking for information, कोई भी information को सर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर in school, keeping record of book in library, लाइब्रेरी में सारे बुकों का रिकॉर्ड रखने के लिए। टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग विषय को पढ़ाई करने के लिए। मेकिंग रिजल्ट एंड रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए। मेकिंग टाइम टेबल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल स्कूल में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इसका क्या इस्तेमाल है, परफॉर्मिंग टेस्ट एंड ऑपरेशन, टेस्ट और ऑपरेशन का रिपोर्ट तैयार करने के लिए। डिग्नोसिंग डिसीजन, रोगियों का उसका लिस्ट तैयार करने के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए। टेकिंग एक्सरे करने के लिए। प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में किया जाता है। तो आज इसमें इतना ही देखेंगे, इसके बाद हम लोग इन ऑफिस, इन शॉप, इन बैंक में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने बुक में रीडिंग करिएगा। सो बाय बाय, थैंक यू।